नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन। एक बार फिर हाजिर है हम मनोरंजन और जानकारी से भरपूर ये कार्यक्रम लेकर जिसका नाम है नमस्ते हिमाचल। दर्शकों, कहा जाता है कि किसी चीज़ का अगर आगाज़ अच्छा हो जाए तो मंजिल तक पहुंचने की मुश्किलें थोड़ी कम हो जाती है। उसी तरह से अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो जाए तो पूरा दिन अच्छा गुजरने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी बढ़ जाती है। इसीलिए हम आपके लिए आपकी सुबह को खूबसूरत बनाने के लिए आपकी सुबह की शुरुआत करवाते हैं गीत और संगीत से। जी हाँ, संगीत एक ऐसी कला है जो हमारे लिए एक वरदान की तरह है, एक खजाने की तरह है। ये हमें देखिए सुनने में तो मधुर लगता ही है, लेकिन बहुत से शोधों के बाद अब ये भी प्रमाणित हो चुका है कि गीत संगीत हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है, हमें एंग्जाइटी से बचाता है और सुकून भी देता है। कई मायनों में ये हमारे एक अच्छे दोस्त की तरह भी काम करता है। मन उदास हो या कोई हर्षोल्लास का समय हो, हर समय के लिए कोई ना कोई गीत ज़रूर होता है। और देखिए, ये तो हम हमेशा ही कहते हैं कि किसी भी सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो वहाँ का जो लोक नृत्य है, लोक कलाएं हैं, लोक गाथाएं हैं और जो लोक गीत हैं उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। हमारे प्रदेश हिमाचल की ही अगर हम बात करें तो यहाँ की हसीन वादियाँ और मनोरम दृश्य जितने मशहूर हैं उतनी ही मशहूर है हमारी लोक परंपराएं, लोक गाथाएं और लोक कलाएं। इन्हीं लोक कलाओं को विरासत के रूप में संजोए रखने और आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं हमारे लोक कलाकार। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ऐसे ही एक मशहूर लोक गायक जिनके गीत हमें तो थिरकने के लिए मजबूर करते ही है, साथ ही साथ इनके गीतों ने देश और विदेश में भी खूब धूम मचाई है। हम विनोद रांटा जी, आज आपका हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा डीडी हिमाचल का, जिन्होंने इस छोटे से कलाकार को इतना बड़ा मंच दिया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। रांटा जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जब शुरुआत की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि जो म्यूजिक के क्षेत्र में, म्यूजिक में जो आपने ये करियर बनाया है, इसकी शुरुआत कब से हुई, कब से आपका जीवन में संगीत का आगमन हुआ? संगीत में बचपन से ही है। मेरे पिता श्री आज हैं इस दुनिया में, भाई साहब भी आज हैं इस दुनिया में, वो महफिल करा करते थे जी। तो उनको देख देख के मैं भी उनके साथ ही जुड़ा जी, बस ऐसे ही चलता रहा जी। यानी कि बचपन में घर का माहौल ऐसा जी, था जी, तो जी, वो जी, देख करके आपने भी वहीं सीख लिया जी, 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 इस ओर आपकी रुचि बन गई जी। उस दौरान होता था कि महफिल चलती थी, इंटरनेट का ज़माना नहीं था, सोशल मीडिया था नहीं, कुछ भी यूट्यूब था नहीं, तो फिर शादियों विवाह में तो महफिल चलती थी जी। बस यानी कि जो गांव का माहौल है उससे निकल कर आप आए हैं, और उसके बाद की आपकी जो जर्नी है अगर उसकी हम बात करें जी, तो वो कैसी रही, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। वो फिर उसके बाद मैं शिमला आ गया। शिमला आने के बाद जी फिर मैं वहाँ यहाँ पे जॉब करी तो अपने फ्रेंड सर्कल के साथ गाते थे जी, बस ऐसे ही चलता रहा जी। देखिए, कहा जाता है कि जो हमारे मित्रगण होते हैं और जो सखी साथी होते हैं उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल रहता है। वो हमें अच्छे कामों के लिए प्रेरित करते हैं, बुरे कामों के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमें जरूर देकर जाते हैं जी, जी, जी। तो आप भी जैसे बता रहे हैं कि आपके जीवन में मित्रों का बहुत ज्यादा सहयोग रहा है। मेरे गाने सुनते रहते थे, मैं गाता रहता था, वो सुनते रहते थे जी। तो इसी तरह से मेरा आगे चलता रहा माहौल जी। तो आपने शिमला आकर के गाना शुरू किया? आपके गाना शुरू नहीं किया, पहले तो मैंने जॉब करी जी जी। गाना तो पिताश्री गाते थे, भाई साहब गाते थे, गाना तो घर से गाते थे जी। फिर यहाँ पे जॉब हुई, फिर मेरा फ्रेंड सर्कल बना यहाँ पे शिमला में। तो फिर संडे का दिन होता था जब हम लोगों को छुट्टी होती थी, तो फिर इंजॉय करते थे, तो मेरे फ्रेंड सर्कल भी बोलते थे गा ले, तो मैं गाता रहा जी। यानी कि आपके दोस्तों की बड़ी पारखी नजर थी, उन्होंने काफी पहले पहचान लिया था कि आप बहुत अच्छा गाते हैं और आपको गाने के लिए वो प्रेरित करते जी, थे जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो रांटा जी, हम आपसे सुनना चाहेंगे वो जो गीत आप कह रहे हैं कि आप दोस्तों को सुनाते थे फ्री होकर के, वो एक गीत हम जरूर आपसे सुनना चाहेंगे जी। उस वक्त मेरे फेवरेट मोहम्मद अजीज साहब होते थे जी, तो उनका गाना गाया करता था मैं, आजकल याद कुछ और रहता नहीं जी। तो फिर मेरे फ्रेंड सर्कल का भी वो फेवरेट सॉन्ग होता था जी, तो मैं गुनगुनाता, मैं थोड़ा सा कोशिश करूंगा।
आपका नाम दिल से निकलता नहीं, आपका नाम दिल से निकलता नहीं, दिल लगी में कोई जोर चलता नहीं, दिल लगी में कोई जोर चलता नहीं, दिल लगी में कोई जोर चलता नहीं, क्या करूं दिल कहीं और लगता नहीं, प्यार में आपसे दिल लगाने के बाद आजकल याद कुछ। बहुत खूब रांटा जी, बहुत ही सुरीली आपकी आवाज़ है, thank और ये गीत आपने जिस तरह से निभाया है ये बहुत खूबसूरत है। जाहिर सी बात है आप इतना अच्छा गाते हैं, इसीलिए आपके दोस्तों ने भी आपको प्रेरित किया। बिल्कुल 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 जी। तो रांटा जी, अगर हम आपकी जर्नी की बात करें आगे चले, इससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, कहा जाता है कि हर किसी के जीवन में एक प्रेरणा स्रोत का होना बहुत जरूरी होता है। जी, 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 वैसे तो आपने बता दिया है कि आपके तो घर पे ही आपके परिवार में इतने अच्छे गीत गाने वाले लोग थे, तो आप उनसे प्रेरित रहे होंगे, लेकिन उनके अलावा आपके जीवन में एक रोल मॉडल या प्रेरणा स्रोत का काम किसने किया है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, रोल मॉडल या आइडल तो हर एक इंसान का होता है अपना। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे सिंगर होंगे, उनका भी अपना एक आइडल होएगा, तो मेरे भी ऐसे ही हैं। मेरे आइडल आदरणीय डॉक्टर किशनलाल सहगल जी हैं। उनका जो सॉन्ग है, एक सॉन्ग मुझे बहुत प्यारा लगता है, घोड़ियों के लिटी बिलड़े बानो। मेरा हिमाचल में जितने भी शोज़ किए मैंने, हजारों शो कर चुका हूँ, मैंने उनका गाना सबसे पहले गाया है, तो इसलिए मेरे आइडल है वो। जी, तो देखिए आपने इतने शोज किए और आपने कहा है कि आप हर शो से पहले उनका ये गीत गुनगुनाते हैं, तो हमारे दर्शकों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी अगर हम अभी आपकी आवाज में उनका वो गीत उन्हें ना सुनाएं। मैं उन जैसा तो गा नहीं सकता, पर कोशिश कर सकता हूँ। जी ठीक है। घोड़ियों के लिटी बिलड़े बनो, हाय देखने जोगा बोलो मुटा ना मेरा, हो मुंगड़ी बे जोगे ना रो रे कनो, मुंगड़ी जोगे ना, हो मुंगड़ी बे जोगे ना रो रे कनो, मुंगड़ी जोगे ना, बसेला पनिया भूये गरो, हाय खुमड़ी कैसे ही बोलो ठगड़ा मछो, ओ भावटे के चई चतरो रे नारो, भावटे के चतरो ना, ओ भावटे के चई चतरो रे नारो, भावटे के चतरो ना। बहुत खूब देखिए, ये गीत जो KL सहगल जी ने गाया है वो अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन आपने जिस तरह से इसे निभाया है ये भी बहुत तारीफ के काबिल है। और देखिए आइडियल की जैसे हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि ये, इसके साथ ही देखिए एक परिवार इंसान की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बिल्कुल, परिवार के सपोर्ट के बिना कुछ भी कर पाना मुश्किल होता है। बिल्कुल, तो आपके जीवन में आपके परिवार का कैसा रुख रहा आपके सिंगिंग करियर की तरफ, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। परिवार का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। देखिए आज तो हमारे बीच मेरे पिताश्री और मेरे भाई साहब है नहीं, उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है, बट शादी के बाद मेरा जो सपोर्ट करा है मेरी वाइफ ने और मेरी सासू माँ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है, तो फ्रेंड सर्कल का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है, ऐसी बात नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट रहा है ये, फैमिली का भी, फ्रेंड्स का भी, और आज जब शादी करके मैं दूसरी फैमिली के साथ हूँ, उनका भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। जी, यानी जी, उस डिपार्टमेंट में आप लकी रहे हैं। और बिल्कुल 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 बहुत ज़्यादा जी। और देखिए परिवार का सहयोग अगर किसी को मिल जाए तो बहुत ही खूब रहता है, और जी, आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है ना वो ज़्यादा मिलती जी, है। जी जी बिल्कुल। तो सर, आपने अभी बताया हमें रांटा जी कि आपका जो शोज़, आपने काफ़ी शोज़ किए हैं हिमाचल प्रदेश में, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बहुत से ऐसे उभरते कलाकार हैं, ऐसे युवा वर्ग जो है वो आज ये कार्यक्रम देख रहे होंगे और आपको अपना आइडल भी मानते होंगे और आपसे प्रेरणा ले, ये तो हमारा स्वभाव, आपसे प्रेरणा भी लेते होंगे, तो उनके लिए कुछ शब्द और उनको कुछ टिप्स दे दीजिए कि अगर शो के लिए जा रहे हैं तो उन्हें किस तरह से खुद को तैयार करना है।
शो के लिए तो देखो कॉन्फिडेंस का होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो स्टेज कॉन्फिडेंस होना चाहिए जी। दूसरा आपका कल्चर के प्रति प्रेम भावना होनी चाहिए जी बिल्कुल ठीक है जी। मेरे हिसाब से तो ये दो चीज़ें मेरे को ज़्यादा मैं इसमें ज़्यादा फोकस करता हूँ कॉन्फिडेंस लेवल और मैं कल्चर को प्रमोट करूँ कल्चर वाले गाने गाऊँ जी जी इस तरह से मैं स्टेज को वो अपना करता हूँ जी जी, जी बिल्कुल। रांटा जी देखिए इसी कड़ी में जैसा आपने कहा कि आप अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं आपने बहुत सी वीडियो एल्बम्स भी निकाली है जी, जी, और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक उस वैसी ही एक वीडियो एल्बम के गीत की झलक अभी हमने देखा और हमारे दर्शकों ने देखा। हम तो खैर यहाँ पे अभी झूम कर नाच नहीं सकते लेकिन हमें पूरा यकीन है कि हमारे दर्शक जो इसे घर पे देख रहे होंगे वो जरूर इस पर झूमने के लिए मजबूर हो गए होंगे। और देखिए ऐसे ही आपके जो गीत है वो दर्शकों को झूमने के लिए मजबूर कर देते हैं। इस गीत के बारे में अगर हम बात करें ये इसका इसमें देखिए आपने गाया तो बहुत खूब ही है लेकिन डांस भी आपने बहुत खूब किया है इसकी वीडियो में। तो डांसिंग का शौक भी है आपको नृत्य का शौक? बहुत बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। मतलब मैं वायरल इसी चक्कर में हूँ कि नाचता ज्यादा है गाता कम है। जी जी जी। वो अपनी कला से प्रेम का ही एक नमूना है कि आप अपने गाए हुए गीतों को इतना एंजॉय करते हैं कि आप खुद ही नाचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर इस गीत की हम बात करें ये आपने कब इसके बारे में आपके दिमाग में ख्याल आया किस तरह से इसे बनाने का जो प्रोसेस रहा है? ये मैंने नहीं बनाया गाना जी ये पुराना सॉन्ग है तो ये मैंने कहीं से उठाया जी उसी जी, जी, गाया है जी। बाकी बहुत सारे मैंने गाने लिखे हैं जी जी वो मैंने गाए हैं वो नए हैं सारे जो भी उसमें कोई कॉपी नहीं है कोई ऐसा नहीं है जी, जी जी। तो ये गीत जो था ये बहुत ही खूब तरीके जी, से आपने गाया है मेरा पसंदीदा था तो मैंने सोचा कि इसको भी गा लेते हैं तो मैंने गा लिया जी। ये भी एक देखिए महानता होती है कलाकार की किसी और की कला को प्रोत्साहित करते हुए उसे जी, अच्छा जी, मानते हुए उसे फिर से गा करके उसे सम्मानित किया जाए। देखिए रांटा जी बहुत आपने सफलता के बहुत से आयामों को प्राप्त किया है और आप आगे भी और भी बहुत से सफलता के आयामों को प्राप्त करते रहेंगे जी, तो जी, जो आपकी ये सफलता की स्टोरी है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। सफलता तो अभी देखो हम तो अभी भी मेहनत कर रहे हैं पहले भी मेहनत करते थे। सफलता का थोड़ा सा मेरे दिमाग में आता है कि सफलता इसमें कैसे थोड़ी सी जो मैं आपको बताना चाहूँगा जी मैं हिमाचल में का एक पहला सिंगर हूँ आर्टिस्ट हूँ जिसने हिमाचल में विदाउट ऑडियो
उस वक्त ना मेरा कोई ऑडियो था, ना कोई वीडियो था, ना कोई गाना था जी। ढेरों प्रोग्राम करे हैं, मतलब हजारों शो करे, स्टार नाइट्स करिए, उत्तराखंड में करिए, बाहर करिए, तो मेरे लिए ये सफलता का, मैं समझता हूँ इसको सफलता है, मेरे लिए सफलता है जी, बिल्कुल। दूसरा सफलता भी सुन लो आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी सफलता ये है कि विदाउट एनी कैसेट्स मुझे हिमाचल की जनता ने प्यार दिया, उत्तराखंड की प्यार जनता ने प्यार करा है बहुत ज़्यादा, वो भी मेरे लिए सफलता है। तीसरी सफलता ये कि आज मैं आपके बीच बैठा हूँ, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल रांटा जी, देखिए आपने जैसा कहा कि अगर दर्शकों को वो चीज़ पसंद आती है तो वही सबसे बड़ी सफलता हमारे लिए, जी, तो जी, जी। वही मानी जाती है जी, और देखिए रांटा जी, आप ने शोज की बात की कि आपकी कोई भी ऑडियो कैसेट या वीडियो आने से पहले आपने शोज करने शुरू कर दिए थे, जी, जी, जी। तो उन शोज का जो एक्सपीरियंस आपका रहा है, थोड़ा सा उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। एक्सपीरियंस जैसे कि आप पूछेंगे द्वारा बोलो कैसे जी, मतलब जैसे आप शो के लिए जाते थे, जी, जी, जी। तो उससे पहले किस तरह की आपकी तैयारी होती थी, स्टेज पे पहुंच के आपके दिमाग में क्या चल रहा होता था और कौन से गीत आपको गाने हैं, इसकी सिलेक्शन आप किस तरह से करते थे, थोड़ा सा वो प्रोसेस के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए ये तो हमारे अब बचपन से ही हमने गाना बजाना किया जी, ठीक है जी, हमने महफिलें करनी है, तो इतना एक्सपीरियंस तो था कि गाने होता ही है आज तक है कि हमने कभी ऐसे लिखा नहीं है कि गाना कौन सा गाना है कौन सा नहीं गाना है, मतलब वो तो अपने जहन में रहता है कि ये गाना है, इसके बाद ये गा लेंगे, उसके बाद वो गा लेंगे, बाकी पब्लिक डिमांड पे करता, जो पब्लिक डिमांड ने, जो पब्लिक ने बोला हम वही गा लेते थे जी। बाकी तैयारियाँ तो हमारा ड्रेसअप कैसा है कि बस ये रहता था जी जी, जी बिल्कुल। और देखिए जैसा कि हम देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि जी। जितना भी आपका ये टैलेंट है एकदम रॉ टैलेंट है और आप जैसे हैं बिल्कुल वैसे ही दर्शकों के सामने खुद को प्रेजेंट करते हैं और इसीलिए दर्शक शायद आपको इतना प्यार भी करते हैं। जी 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 जी। अगर हम देखिए जीवन में ना रांटा जी, जो भी हमारे पहले होते हैं, पहला हमारा स्कूल का दिन हो गया, पहला गीत हो गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, हमें हमेशा जिंदगी भर याद रहते हैं। तो आपके जीवन का जो पहला गीत जो आपने गाया है उससे जुड़ी कुछ यादें और वो गीत भी हम आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे। मैं देखिए 5 साल तक तो कैजुअल आर्टिस्ट रहा हूँ पब्लिक रिलेशन में जी, तो मेरे को स्टेज भी पब्लिक रिलेशन नहीं दिया है, उससे पहले मैंने स्टेज करा नहीं था, तो वहाँ पे मैंने एक सॉन्ग गाया था जो आज भी गाता हूँ, धारो पांदे लगो कुपड़ी मामा जी, मेरा फेवरेट है वो भी जी। तो ये हम जरूर आपसे सुनना चाहेंगे, पर पहले इससे जुड़ी कुछ यादें आपके पास हो हम वो भी सुनना चाहेंगे। इससे जुड़ी यादें अभी खास है नहीं। चलिए हम आपसे ये गीत ही सुन लेते हैं। ठीक है। धारो पांदे लगो कुपड़ी मामा गिंदुआरो खेलो, हो धारो पांदे लगो कुपड़ी मामा गिंदुआरो खेलो, हाय धारो पांदे लगो कुपड़ी मामा गिंदुआरो खेलो, हाय धारो पांदे लगो कुपड़ी मामा गिंदुआरो, ¡Gracias!
अभी दर्शकों ने ये गीत सुना, जो देखिए गाया जितना अच्छा है ना उतना ही अच्छा इसका चित्रण भी है। अगर कोई गीत सुनकर नाचने के लिए मजबूर ना हो तो वीडियो देख करके तो जरूर गाने के नाचने के लिए रेडी हो ही जाएगा। देखिए रांटा जी, हमने शुरू में आपसे आपकी मोटिवेशन पूछी थी, तो आपने कहा था कि जो हिमाचल के गीत है उनमें आपके मोटिवेशन है KL सहगल जी। जी जी जी। अगर हम बात करें कि आज के परिदृश्य में बॉलीवुड के सिंगर में कोई आपका मोटिवेशन हो या पसंदीदा कलाकार हो, अच्छा, तो उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये चीज़ कि मेरे अपने फेवरेट सिंगर मोहम्मद अजीज साहब का मैंने आपको गाना भी सुनाया जी, वही मेरे फेवरेट सिंगर थे, उनकी सादगी थी, सिंपल से इंसान थे, तो वही मेरे लिए मोटिवेशन है बस जी। और देखिए राटा जी, जैसे कार्यक्रम की शुरुआत में हमने कहा था कि जो हमारे लोक कलाकार है वो हमारी जो संस्कृति है उसे आगे बढ़ाने के लिए, जो लोक संस्कृति है उसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, और वो बहुत अपने जो कला है इसके माध्यम से आप हमारी संस्कृति को संजोए तो रखते ही है लेकिन इसे लोगों तक भी पहुंचाते हैं। देखिए हमारे लोकगीतों में ऐसी शक्ति है कि एक तरफ अगर वो लोगों को नाचने के लिए मजबूर कर सकते हैं तो कोई करुण कथा सुन के वो लोगों की आंखों में आंसू भी ला देते हैं। और आप तो देखिए इस कला में माहिर है और इस कला को ही आगे प्रमोट कर रहे हैं। जी जी। आपके हिसाब से लोक संस्कृति में लोक जो गीत है हमारे जी उनका जी जी। क्या महत्व रहता है? लोक संस्कृति में लोक गीत का बहुत ज्यादा महत्व है, जैसे पानी बिन मछली। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों, ठीक है ना जी जी। जैसे हवा बिन जीवन, जी बिल्कुल, तो वैसे ही लोक संस्कृति लोकगीत के बगैर अधूरी है जी। अगर हमारे लोकगीत ना हुए तो लोक संस्कृति शून्य है, जीरो है, नीरस है। फॉर एग्जांपल मान लिया हमारी माला नाटी देख लो जी। माला नाटी ले लो जी, अगर उसमें गीत ना हो, अगर गीत ना गाया जाए उसमें, तो माला नाटी हो ही नहीं, उसको दर्शा ही नहीं सकते हम लोग जी, जी बिल्कुल। तो बस यही है जी, लोक संस्कृति लोकगीत के बगैर लोक संस्कृति अधूरी है जी बिल्कुल। और देखिए लोकगीतों के ठोडा नृत्य देख लो, अगर ठोडा नृत्य में गीत नहीं गाया जाएगा, लोकगीत नहीं गाया जाएगा बिल्कुल, तो भी नीरस हो जाएगा बिल्कुल जी 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 बिल्कुल। यानी कि अगर हम लोक संस्कृति की बात करते हैं तो लोकगीत के बिना ये करना मुश्किल है जी जी, बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है जी। तो और देखिए अगर हम लोकगीतों की बात कर रहे हैं और आपकी आवाज में कोई हमारी नाटी या लोकगीत ना सुने ये तो वाजिब नहीं होगा। अच्छा, तो अब आपसे एक लोकगीत जरूर सुनना चाहेंगे। पारो आया बन जरा, हो पारो आया बन जरा, बेश जा भोई दे मेरी ओम कुवे, परवाया बन जरा, हो परवाया बन जरा, बेश जा भोई दे मेरी ओम कुवे, दिन बीतो चाहे सारा, हो दिन बीतो चाहे सारा, गला तू लाई जा मेरी ओम कुवे, दिन बीतो चाहे सारा, हो दिन बीतो चाहे सारा, गला तू लाई जा मेरी ओम कुवे। थैंक यू। बहुत खूब रांडा जी, बहुत खूब। देखिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए हमें मन ही नहीं करता कि आपसे कुछ सवाल पूछे, मन करता है कि आप यूं ही गाते रहे और हम सुनते रहे। देखिए रांडा जी, जब आप इस फील्ड में आ रहे थे, आप अपनी शुरुआत कर रहे थे, उस समय के कलाकारों के पास इतने ज्यादा मौके नहीं होते थे, नहीं होते या थे, तो नहीं। वो स्टेज शो कर पाते थे जी, या जी, फिर दूरदर्शन या रेडियो के माध्यम से ही अपनी कला को दिखा सकते थे जी, जी, जी। आज के युग की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया ने जो नए कलाकार है उनके लिए काफी रास्ते आसान कर दिए हैं, तो आपका क्या मानना है, क्या सोशल मीडिया ने कुछ अहम भूमिका निभाई है आज के कलाकारों के लिए, कुछ आसान कार्य किया है? मैंने जी मतलब क्या सोशल मीडिया जी, या सोशल मीडिया की बात करें जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत आसान है आज की डेट में सोशल मीडिया में इतना। देखिए अब रील्स की बात करोगे आप, रील्स बना रहे हैं लोग, सिंगर्स रील्स बना रहे हैं, फैन फॉलोइंग बढ़ रही है, यूट्यूब है जी, इंस्टाग्राम है। हमारे टाइम में तो ऐसा था नहीं कुछ भी, हम तो मेहनत कर करके जैसे कैसे भी
यहाँ तक पहुँची है। मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया ये चीज़ तो। जी, और जी। क्या आप भी सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे हैं अपने गानों अभी, को? अभी करा मैंने, पहले मैं इस मतलब थोड़ा हेजिटेशन रहती थी जी, जी। मैं पहले नहीं करा है जी। मेरे को 15-20 दिन हुए, अभी रील्स वगैरह बनानी शुरू करी है मैंने अपने इंस्टा पे, फेसबुक पे। जी जी, यानी कि आप भी अब तकनीक के साथ आगे बढ़ते हुए, आप भी जमाने के साथ आगे बढ़ते हुए अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, और बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। जी 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 जी, और देखिए रिस्पांस की अगर हम बात कर रहे हैं तो देखिए सोशल मीडिया पे जो एक आर्टिस्ट है उसे प्यार तो बहुत मिलता है, बहुत तारीफ मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे लोग भी होते हैं, वो कहते हैं ना कि हम सबको खुश नहीं रख सकते हैं, तो थोड़ी सी नेगेटिव फीडबैक का भी रहता है। तो जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो युवा उभरते कलाकार देख रहे हैं, वो इन चीज़ों से थोड़ा डर जाते हैं, तो उनके लिए मुझे तो मजा आता है, मैं तो मजे लेता हूँ पूरे, मतलब फीडबैक जो नेगेटिव फीडबैक है जी उसमें तो मजा कुछ और है। वो मतलब आप बताओ, जो आपकी बुराई करता है ना जी, जी समझो आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है वो जी, ये उससे उससे आपको सीखने को मिलता है। मैं गा रहा हूँ, अब कोई कमेंट करेगा कि ओवर एक्टिंग की दुकान तो मुझे बड़ा मजा आता है कि देखो मैंने कहीं ना कहीं ओवर एक्टिंग करी है, बंदा शुभचिंतक मेरा है जी, तो फिर उसको मैं हंस के जो जवाब भी देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो आपके माध्यम से भी बताना चाहूँगा उन लोगों को जो भी मेरे शुभचिंतक है कि ऐसे ही बने रहे हमारे साथ, कमेंट करते रहे जी। थैंक यू जी, यानी किसी भी तरह का फीडबैक अच्छा फीडबैक है जी, जी, जी। ये देखिए अपने अपने इंसान की मोटिवेशन मिलती है उनसे, बुरे कमेंट से ना जी आपको सीखने को मिलता है, अच्छा लगता है, तो आप उस जो आपकी कमियां है, हो सकता है आप में कमियां हो जी बिल्कुल, तभी अगले ने गलत कमेंट करा है ना जी, तो आप उसको सुधारते भी, वैसी बात नहीं है जी 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 जी। यानी ये भी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की महानता ही है कि वो नेगेटिव कमेंट्स को भी नेगेटिव के रूप में नहीं लेते हैं, बल्कि उसे खुशी खुशी अपनाते हैं और आगे कुछ बेहतर करने का। मैं सिंगर कम और इंटरटेनर ज्यादा हूँ तो मैं नाचते हुए अगर हरकतें कर भी लेता हूँ तो लोगों को लगता है ये थोड़ा सा कुछ गलत है, हो सकता है उस चक्कर में मुझे गलत कमेंट भी करते होंगे, तो मैं उसको लाइटली लेता हूँ, ऐसा नहीं है कुछ भी की मैं फिर उसको लेके बैठ गया, नो जी 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 बिल्कुल। और देखिए ये जिंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर नेगेटिव फीडबैक को हम दिल से लगा के बैठ जाएंगे जी तो जी फिर आप सक्सेस नहीं होंगे जी बिल्कुल, आगे बढ़ने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी जी। रांटा जी, हम देखिए इतनी देर से लेकर बातें कर रहे हैं, हमारे दर्शक जरूर एक गीत सुनने के लिए बेकरार होंगे, तो अब आपसे कोई भी एक गीत, आपका पसंदीदा गीत, कोई भी उस गीत जो आपको पसंद हो वो हम आपसे सुनना चाहेंगे। अभी मैंने रिसेंटली एक सॉन्ग लिखा था जी, तो थोड़ा सा उसमें ट्रेडिशनल फीलिंग लाने की कोशिश की है जी, मैंने जी। तो मैं सुनाने की कोशिश करूँगा वो सॉन्ग जी। किदाले चाले तू बुन ठोनियो, जन की दाये बे बुन ठोनियो, किदले चाले तू बुन ठोनियो, जन की दाये बे बुन ठोनियो, नोट रखे पर से गुण गुणियो, जन की दाये बे गुण गुणियो, नोट रखे पर से गुण गुणियो, जन की दाये बे गुण गुणियो। बहुत खूब रांटा जी, जी बहुत खूब। और देखिए कहते हैं ना कि संगीत एक ऐसी चीज होती है जी, जो जी, लोगों को जोड़ने का काम करती है जी, जी, जी। आपको चाहे वो समझ भी ना आ रहा हो कि सामने जी, जी, वाला जी, जी, क्या गा रहा है, लेकिन उसकी जो आपको समझ आ रहा है ये मैंने कहा क्या गाया था, थोड़ा समझ आया, थोड़ा हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को जानकी दाइया एक वर्ड उठाया है जी, लड़की के लिए बोला है कि दले चाले मतलब बन ठन के कहाँ जा रही है जी, अब जब जा रही है तो नोट रखे पर्स से गण गण, फिर नोट भी गिन गिन के पर्स में रख रही है, वो जी, मतलब जी, है इसका जी। यानी कि आप जो जी, हमारे आस पास आम जीवन में जो घटनाएं घट जी, रही होती है उन्हीं को उन पे आधारित मैंने मतलब यही एक थीम रखी कि कहाँ जा रहे हो, फिर आप अब बन ठन के जा रहे हो और साथ में पैसे गिन के और पर्स में रख रहे हैं जी बिल्कुल।
जी जी, यानी कि एक कलाकार को प्रेरणा के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जी जी, अपने आसपास की चीजों से ही वो मोटिवेट होकर एक गीत लिख सकता है। देखिए इससे जो हमारे उभरते कलाकार जो हम बात कर रहे हैं, जो आपको देख रहे होंगे, जो आपसे मोटिवेटेड भी होंगे, वो काफी सीख ले सकते हैं कि आपको कुछ स्पेशल ज्यादा करने की जरूरत नहीं, अपने आसपास की चीजों पर थोड़ा बहुत ध्यान दे देंगे तो आपके जहन में भी ऐसे कोई ना कोई ख्याल जरूर आ जाएंगे। देखिए रांटा जी, हम शुरू से कह रहे हैं कि आप बहुत से जो हमारे उभरते कलाकार हैं या जो युवा वर्ग है उनके लिए एक प्रेरणा के तौर पर है। देखिए आपके गीतों पे वो बहुत झूमते हैं, बहुत थिरकते हैं और वहीं आपको एक रोल मॉडल की तरह भी मानते हैं, तो उनके लिए आपका कोई संदेश? नई जनरेशन के लिए, तो नए युवाओं के लिए तो मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि अपनी संस्कृति को बचा के रखें जी, अपने ट्रेडिशन को ना भूलें, अपनी वेशभूषा को ना भूलें। खासकर मैं कहना चाहूँगा कि अपनी भाषा को, जो हमारी हिमाचली पहाड़ी स्लैंग है ना, जी जी, देखो मैं तो स्लैंग मेरा ज़्यादा, मैं इस पर विश्वास नहीं करता कि आप बिल्कुल बढ़िया हिंदी बोलोगे तो आपका नाम होएगा, अगर थोड़ा बीच में पहाड़ी स्लैंग आ गया तो पता नहीं आप गंवार बोल दें, ऐसा तो है नहीं। तो मेरे हिसाब से अपनी मातृभाषा तो भूलनी नहीं चाहिए। जो मेरी नई जनरेशन है, जो भी हिमाचल के युवा हैं, ठीक है आप रैप गा रहे हो, आप नया कुछ गा रहे हो, कोई बात नहीं, सब कुछ चलता है, पर अपनी मातृभाषा, वेशभूषा और अपने फोक को ना भूलें बस जी, उसको उसको प्रचलित रखें, उसको उसका प्रचार करें। जी बिल्कुल। और देखिए रांटा जी, अगर हम ये नहीं करते हैं, हमारे आने वाली जो जनरेशन है वो इसे नहीं समझ पाती है, तो जो ये हमारी वेशभूषा है, जो हमारी बोलचाल की भाषा है, जो आप कह रहे हैं, ये हमारे साथ ही खत्म हो जाएगा आने वाली पीढ़ी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल खत्म है। अगर आप इसको आप हिंदी बोलोगे, अंग्रेजी बोलोगे, अपनी मातृभाषा, अपने माँ बाप के साथ हिंदी में बात करोगे, अब पहाड़ी में कोई बात नहीं करोगे, जो हम जहाँ से जन्म, जिस जगह से आपका जन्म है वहाँ पे, आप हमारे यहाँ तो ज्यादा पहाड़ी बोली जाती है जी, ना क्यों गलत बोल रहा हूँ? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हाँ पहाड़ी बोली जाती है, तो पहाड़ी को भूल के आप स्लैंग में जाओगे तो गलत हो जाएगा, फिर ये खत्म हो जाएगी हमारी जो संस्कृति है मेरे हिसाब से तो। जी बिल्कुल जी। और देखिए आप इतने पैशनेट है अपने प्रदेश के लिए, अपनी भाषा के लिए, अपनी जो संस्कृति है उसके लिए, तो रांटा जी हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कुछ अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से आते हैं, कैसा आपका वो इलाका है, किस तरह का वहाँ? बहुत अच्छा इलाका, बहुत अच्छा इलाका है, ठंडा, आजकल 6 फुट बर्फ पड़ी है जी, और बहुत अच्छा इलाका है। मैं कोटखाई क्षेत्र का टाऊ गाँव का रहने वाला हूँ जी जी। मेरे घर में मेरे भाई साहब अभी है, भाभी जी है जी, मदर है, और फादर साहब को पहले ही बता दिया जी, जी। उनकी डेथ हो चुकी है जी जी जी, जी। तो यानी कि आप एक संयुक्त परिवार में जी, रहते जी, हो जी, जी, और जी, बिल्कुल जी। तो देखिए आपने अपने क्षेत्र के बारे में बताया जी, जी, जी। तो अब देखिए ये उस क्षेत्र के लोगों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी अगर आप वहाँ का कोई गीत उन्हें नहीं सुनाएंगे। ये मेरे गांव का ये एक प्रचलित सॉन्ग है जी, मैं टाऊ का रहने वाला हूँ, टाऊ का बहुत मशहूर गाना है, टाऊ रे लागू भौनो दो पांच जी, बिल्कुल। और यही मेरे हिसाब से आपने सुना है, आपको पहाड़ी समझ नहीं आती पर ये गाना जरूर सुना जी, है आपने, बिल्कुल। तो मैं कोशिश करूंगा सुनाने की आपको। बोलो टाऊ रे लागू भौनो दो पांची रो खेलो, टाउरे लागो भोनो दो पाँचीरो खेलो, बोलो चुख प्रीति दुए ताती तवीरो तेलो, चुख प्रीति दुए ताती तवीरो तेलो। और आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा और सुना हमने बिल्कुल जी बिल्कुल, यही तो देखिए संगीत की खूबसूरती होती है कि आपको समझ ना भी आए फिर भी आप उस ये पर... बहुत ट्रेडिशनल और पारंपरिक सॉन्ग है जी, जी, जी। हम चाहेंगे कि जो हमारे दर्शक देख रहे हैं जो इसे ना समझ पाए हों उनके लिए आप इससे थोड़ा सा समझा देंगे इस गीत में क्या कहा जा रहा है। इसमें एक खेल होता था हमारे गाँव में ना जी, जी टाउरे लागो भौनो दो, एक भौन बोलते हैं हमारे जैसे आंगन टाइप होता है जी, जी। देव 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 देवस्थान जी, उसके चारों उस जगह को भौन, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वहाँ पे खेलते थे। अब मैं पांची को तो बता नहीं सकता पांची क्या होता था पर खेलते जरूर थे, टाउरे लागो भौनो दो पांची रो खेलो। अच्छा जी, मतलब टाऊ के भौन में जहाँ पे देवी हमारे देवस्थान का जहाँ पे वो जगह है वहाँ पे खेलते थे लोग जी, वहाँ पे फिर दो एक चुंकू प्रीति लड़का लड़की का भी इसमें वो है माहौल है जी,
मतलब ताती तावीर होते, मतलब गरम, जैसे गरम कढ़ाई होते हैं ना, उतने मतलब वो थे वो, खेलने के लिए वो, नहीं, खेलने के लिए नहीं, जी मतलब सुंदरता दिखाई है उसमें। ओके, जी 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 बिल्कुल जी ऐसा है। बिल्कुल। आपने देखिए, जो दर्शक कुछ हमारी तरह है, जिन्हें पहाड़ी भाषा आप का बोलते इतना हैं मुझे, मैंने ये गाना सुना है और मैंने सुनाया, फिर आपको बोलते हैं आपको समझ नहीं आया। नहीं सर, सुना है, और देखिए वही तो मैं कह रही हूँ कि संगीत की खूबसूरती ये है, बिल्कुल हमने बिल्कुल बहुत बार सुना है और हो सकता है कभी गुनगुनाया भी जी होगा, जी 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 लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं, हम अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, अपनी भाषा का ज्ञान कम होता जा रहा है, जी 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 तो आपके जैसे अगर लोक कलाकार अपनी संस्कृति को बढ़ावा देंगे, जी अपने जी जो लोक भाषा है इसे बढ़ावा देंगे, तो हमारे जैसे जो दर्शक है जो इसे नहीं भी समझ पाते हैं, वो कोशिश ज़रूर करेंगे एक बार कि इसके मतलब को भी ज़रूर समझे। जी 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 जी, और देखिए अगर हम बात करें, देखा आपने इतना लंबा सफ़र तय किया है जी जी संगीत के क्षेत्र में, जी जी तो इस क्षेत्र में आपकी काफ़ी सारी यादें भी ज़रूर जुड़ी होंगी, कुछ खट्टी मीठी होंगी, कुछ अच्छी होंगी, कुछ बुरी होंगी, तो हम आपसे आपकी कुछ, जो ये संगीत का इतना आपका सफ़र रहा जी है जी जी शुरू जी से अभी तक, उसकी कुछ यादों के बारे में आपसे ज़रूर जी सुनना चाहेंगे। मुझे, मेरा एक ही टर्निंग पॉइंट था लाइफ का ना जी। मैं कैजुअल आर्टिस्ट था पब्लिक रिलेशन में, जी तो वहाँ हमारे एक सर हुआ करते थे, शायद आप भी जानते होंगे, श्री मेला राम शर्मा जी, डेप्यूटी डायरेक्टर थे वो, जी तो वो पूरी टीम को उनका ही सहयोग था, उनका ही साथ रहता था। तो हम लोगों का टूर लगा है रेणुका फेयर में, इंटरनेशनल फेयर है रेणुका जी जी, बिल्कुल वहाँ लगा। तो पूरा पूरा जितना हमारा ग्रुप था सब वहाँ रेणुका जी चले गए। तो मुझे मेला राम शर्मा जी ने कहा कि आज आपको हमारा, मतलब शुरुआत हम लोगों से ही होती थी, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट का जो भाषा में संस्कृति विभाग, जी वहाँ से ही हमारे, मतलब मेले की शुरुआत पहले वहीं से होती थी। हमारा सारा आर्टिस्ट पहले मतलब एक माहौल बना के दे देता था, पूरे पूरे जितने भी उसके बाद आर्टिस्ट जी आते जी थे। जी तो फिर उन्होंने कहा कि आपको इंडिविजुअल गाना पड़ेगा, अकेले करना अकेले, पड़ेगा। आज बोलते आपने अकेले गाना है, आज ने ग्रुप के साथ नहीं गाना। जी मैंने बोला क्या बात है, मेरी तो ज़िंदगी बन गई। मैं कहा सर, बोलते 7:30 के करीब 5 मिनट गा लेना, कोई बात नहीं। मैं कहा बहुत बढ़िया सर, थैंक यू वेरी मच मुझे मौका देने के लिए। उस वक्त मैं स्टार नाइट नहीं करता था, और स्टार नाइट का दौर होता था, हमें भी लगता था यार हम भी कर सकते हम हैं, भी जा कोशिश तो सकते कर हैं। ही जी सकते जी हैं। तो 5 मिनट का टाइम मिला, 7:30 बजे मैं स्टेज पर पहुँचा और मैंने अपना परफॉर्मेंस जितना मेरे से हो पाया दिया, और लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिला, और बैक स्टेज आ गया। 4 मिनट मिले जी और मैं जैसे ही बैक स्टेज बैठा तो एक सज्जन व्यक्ति आए मेरे पास ना। अब मुझे नहीं पता कहाँ से किसने भेजा, क्या भेजा, बोला रांटा जी। मैं कहा जी। बोलते आपने रुके रहना है, आपकी परफॉर्मेंस अभी हमने देखी है, जी आप बोलते रुके रहना, किसी साहब ने, अब डीसी साहब ने बोला, एडी साहब ने, जिसने भी बोला, बोलते आप रुके रहो, आपको और मौका देंगे थोड़ी देर में। मैंने बोला वाह, मतलब इनको अच्छा, मेरा जी परफॉर्मेंस बिल्कुल, बहुत अच्छा उन्होंने आपकी कला को लगा। जी पहचाना। जी 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 मैं कहा ठीक है जी। स्टार नाइट अभी शुरू होने को 1-2 घंटा था, मतलब 7:30, 8, 8:30, 8:30, 9 के बजे तो फिर स्टार चढ़ स्टेज पे आ जाता है। तो मैं वेट करता रहा, वेट कर, 9:30 हो गए, मैंने बोला मेरा टाइम तो आया नहीं भाई। मैं कहा जी वो मेरे से मजाक करके चला गया लड़का जो भी था। जी जी तो 9:30 बजे आया वही सज्जन व्यक्ति, बोलते साहब ने बोला है कि हमें 10:30 के बाद, स्टार नाइट के बाद, जी 10:30 के बाद परमिशन ले ली है, 10:30 के बाद आप गाएंगे। जी यानी उन्हें आपका गीत इतना इतना पसंद अच्छा है। लगा, तो उसके बाद मैंने आधे घंटे परफॉर्मेंस किया, पूरा पंडाल झूम उठा, जी, और मेरे लिए बहुत अच्छी, मतलब वो एक्सपीरियंस आपको अब बहुत तक याद रहता बहुत है। आज तक याद है। और उसके बाद फिर मैंने बैक टू बैक वहाँ 2 साल तक नाइट करी है, जी, स्टार नाइट करी मैंने स्टार उसके बाद। नाइट जी की है। जी जी उसके बाद मैंने पब्लिक रिलेशन का सफ़र भी छोड़ दिया, जी फिर मैं नाइटें करनी शुरू करी। जी बिल्कुल। और जी 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 देखिए आपकी जो ये आपने छोटा सा किस्सा सुनाया है जी ना, जी 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 इससे ये पता लगता है कि अगर किसी कलाकार को थोड़ा सा प्रोत्साहन या प्रेरणा दी जाए तो वो आगे चल के बहुत कुछ जी कर जी जी सकता है, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। आपके गीत हैं ही ऐसे कि कोई भी झूमने के लिए मजबूर हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। ऐसा ही एक गीत हमें भी याद आता है, वो शिल्पा रोडू वाली है, जी हम जी चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी उसे देखें और आज ज़रूर झूमें उसे पर। रिज में दानों देखो रे, रिज में
बहुत ही खूबसूरत गीत था रांटा जी आपका ये आपने बहुत ही खूबसूरती से इसे गाया है। तो रांटा जी हम बात कर रहे थे गीत से पहले आपके सफर के बारे में जी, जी, जी. और आपने मेंशन किया था कि पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ने आपको मौका दिया तो उसमें कैसा आपका सफर रहा, वहाँ कैसे आपका आगमन हुआ उस बारे में भी हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जी 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 देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं ना जब हम गांव में गाते थे जो भी महफिल में उसके बाद मैं शिमला आया, शिमला में मैं नौकरी करी जी अपने सुमटी शहर में मैं रहता था क्षेत्र में जी जी। तो वहां पे हम संडे को हमारा पार्टी टाइप अपना गिटार लेके गाना बजाना होता था। हमारे पड़ोस में एक आंटी जी होते थे जी श्रीमती उमा कौशल जी जी, वो कार्यरत थे पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने कहा मुझे कि आप जैसे मिलते थे, शोर तो जाता ही है पड़ोस में जी, कि आप बेटा बोलते आप ऑडिशन क्यों नहीं देते अपने, हमारे तो कैजुअल के ऑडिशन होते रहते हैं जी। बोलते आप ऑडिशन दे दो, क्या पता सिलेक्ट हो जाओ, सिलेक्ट हो जाओगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको स्टेज मिलेगा। हुआ वही, तो फिर मैंने अपना ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट हो गया तो 5 साल तक लगातार मैंने पब्लिक रिलेशन में ही अपना शो करे। और सौभाग्य से देखो आप, जिन आंटी ने मुझे मोटिवेट करा था ना, वो आज मेरी सासू माँ जी है। वाह क्या बात है सर, ये जो भगवान के जो वो कहते हैं ना संजोग जो वो बनाते हैं, वो इसी वजह से बनाते हैं। तो रांटा जी आज आप हमारे स्टूडियोज में आए और हमारे लिए देखिए हमारे इतनी मनोरंजन किया, सुबह सुबह अपनी कहानी बताई, सब कुछ किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों हमें आप दीजिए इजाजत है कार्यक्रम संपन्न करने की, लेकिन आप बने रहिए डीडी हिमाचल के साथ और एंजॉय कीजिए विनोद रांटा जी का एक और गीत।